ನಮಿಯೋಣನೆ ಮಿನಾಹಂ ಸಚ್ಚಜುಯಿಟ್ಟಿರಣಮಸಿಯಂಗಿ ಜುಗಂ ಬಂಧು ದಯ ಸತ್ತಜುತ್ತಂ ಓಘಾದೇಸೇತವಂ ಓಚ್ಚಂ. ये अपन आठ कर्मों के त्रिसंयोगी भंग देख रहे हैं. ज्ञानावरण, अंतराय, दर्शनावरण और उसमें आयु, वेदनीय नाम, वेदनीय गोत्र और आयु, ये छह के अपन ने देखे हैं. अब यह मोहनीय कर्म के त्रिसंयोगी भंग बता रहे हैं. तो अपन ने मोहनीय कर्म के पहले बंध स्थान देखे हैं. कितने बंध स्थान रुद्रा दीदी? कितने कुल, कितने? दस. कौन कौन से? हाँ, बराबर है. उदय स्थान कितने हैं? सरल है. हाँ, कितने हैं? हाँ, कितने हैं? नौ है. हाँ, कौन कौन से? हाँ, दस से लेकर एक तक. सत्व स्थान कितने मंजूषा मोहनीय कर्म के? सुनंद ते सत्व स्थान काल माताजी सांगितलं ते महाराज सांग. हां, पंधरा है. कौन कौन से? हां, बराबर है. 15 सत्व स्थान है. अब इनको यहाँ पर त्रिसंयोगी भंग के रूप में देखेंगे. कि पहले अपन गुणस्थान की अपेक्षा से देखते हैं कि किस किस गुणस्थान में, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से स्थान है. इसको वहाँ पर भी देखा था बंध स्थान पर. पहले गुणस्थान में बंध स्थान कितने हैं? पहले गुणस्थान में बंध स्थान कितने हैं? एक ही है. कौन सा है? 22 प्रकृति का एक बंध स्थान है. पहले गुण स्थान में उदय स्थान देखे थे. कितने देखे थे? 8 कुटे हुए थे. अनंतानुबंधी से सहित 4 कुट और अनंतानुबंधी से रहित 4 कुट. तो उसमें 10, 9, 9, 8, फिर 9, 8, 8, 7, ऐसे 8 स्थान थे. और उसमें अपन रुक्त रूप से लेंगे तो 10, 9, 8 और 7. नौ में वगैरह प्रकार है सब. नौ के उसमें 3 प्रकार होंगे पहले गुण स्थान में. भय सहित, जुगुप्सा सहित और भय जुगुप्सा दोनों से रहित और अनंतानुबंधी से रहित, ऐसे नौ होंगे. ऐसे सब वहाँ पर है. यहाँ केवल प्रकृति की संख्या के अपेक्षा से अपन देख रहे हैं. तो 4 वहाँ पर उदय स्थान है. 10, 9, 8 और 7 का उदय है. सत्व स्थान पहले गुण स्थान में 3, 28, 27 और 26, ये 3 सत्व स्थान है पहले गुण स्थान में. 24 का नहीं है. विसर्जना करके आता है तो उस पहले समय में अनंतानुबंधी का बंद कर लेता है, इसलिए उसका सत्व वापिस हो जाता है. इसलिए 28 का ही सत्व रहेगा वहाँ पर. रुद्वेल न करने पर 27 और 26 का सत्व रहेगा. यानादि मिथ्या दृष्टि को 26 का सत्व रहेगा. दूसरे गुण स्थान में बंध स्थान 21 प्रकृति के, 1, 22 में से 1 मिथ्यात्व कम हुआ, तो यहाँ 21 का एक ही बंध स्थान है. उदय स्थान जो है वहाँ पर अनंतानुबंधी मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति हो गई. बंध विच्छित्ति भी हुई और उदय विच्छित्ति भी हुई, तो एक एक कम हो गया. तो यहाँ पर 9, 8 और 7, 4 ही कुट है. यहाँ पर 9, 8, 8 थे और उसमें 8 में से एक ही लिया. 9, 8, 7, ये 3 उदय स्थान है. और सत्व स्थान दूसरे गुण स्थान में 28, एक ही उदय सत्व स्थान है. 27 भी नहीं, 26 भी नहीं, 24 भी नहीं. उनके 28 की सत्ता वाला ही दूसरे गुण स्थान में आएगा वहां पर. अब तीसरा गुण स्थान है. आप भी बिना देखे पहले करो, फिर उसके बाद में देखना बराबर है क्या?
तीसरे गुण सम्यक बंध माता जी, हाँ, 17 प्रकृति का क्या कम हो गए इसमें? 21 में 4 आनंदपाल बंदी कम हो गए, 17 का बंद है, एक ही बंद स्थान है। उदय स्थान यहाँ पर भी 9, 8, 7 है, इसमें अनंतान बंदी से रहित और मिश्र प्रकृति से सहित है। और यहाँ सत्व स्थान 28 और 27, 26 तो आगे होगा ही नहीं, इसका विचार ही नहीं करना, वो पहले गुण स्थान में होता है। हाँ, 24 का अनंतान बंदी की विसर्जना किया हुआ जीव भी आता है तीसरे गुण स्थान में, इसलिए 28 और 24 दो ही सत्व स्थान होंगे। चौथे गुण स्थान में बंद स्थान 17 का ही बंद स्थान है, यह 13 नहीं, तीसरे और चौथे में समान है, 17 प्रकृतियां। हाँ, उदय स्थान यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक वेदक समेतु की अपेक्षा से 9, 8, 7 है और शाही समेतु की अपेक्षा 8, 7, 6 है, तो इसलिए 4 हो जाएंगे यहाँ, 8, 7 और 6 4 उदय स्थान है। और सत्व स्थान जो है 28, 24 और शाही समेतु करता है तो उस अपेक्षा से 23, 22 और 21 5 उदय स्थान होंगे यहाँ पर, सत्व स्थान 5 होंगे। हो सकती है नरक में होती है तो यहाँ होने में क्या, पांचवा गुण स्थान है तो यहाँ बंद स्थान 13 का है, 17 में से 4 कम हुए, 13 का बंद करता है, एक ही है। उदय स्थान अप्रत्याख्यान कम हो गया, इसलिए 8, 7, 6, 5 वेद समेतु की अपेक्षा 8, 7, 6 और साई समेतु की अपेक्षा 6, 7, 6, 5 और यहाँ सत्व स्थान ये ही होंगे जो चौथे में है, वे पांचों के पांचों सब होंगे, यहाँ पर सातवें तक सत्व स्थान वे ही होंगे। छठे में बंद स्थान 9 का बंद होगा क्योंकि 4 अब एकम हो गए, अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और कषय कम हुए। और उदय स्थान 7, 6, 5, 4 वेदक समेतु की अपेक्षा 7, 6, 5 और शाही समेतु की अपेक्षा 6, 5, 4 औपशमिक और शाही समेतु की अपेक्षा। और सत्व स्थान ऊपर के सब है, पांचों के पांचों। सातवें गुण स्थान में बंद स्थान 9 का ही है, उदय स्थान यही होंगे चारों के चारों, 7, 6, 5, 4 और सत्व स्थान भी ये होंगे सब। अब आठवां गुण स्थान, आठवें गुण स्थान में बंद 9 का ही है, उदय यहाँ केवल ऑप्शन में क्या शाही समय दृष्टि होंगे, इसलिए 6, 5 और 4 है। और सत्व स्थान यहाँ पर 28 या 24 या 21 तीन ही होंगे ना, आठवां गुण स्थान है, 23, 22 नहीं होगा क्योंकि शाही समय तो जिसको हुआ है उसके अपेक्षा से कथन है। नौवां गुण स्थान, इसमें बंद स्थान कितना है, 5 का बंद करता है, हास्य रति भाई जी गुप्सा की बंद विच्छुत्ति हुई और उसकी उदय विच्छुत्ति भी हुई है, तो यह उदय स्थान कितना है, कितना है, 2। हाँ, और अवगत वेद वेद भाग तो 2 और उसके बाद अवैध भाग से एक ही का उदय है, उदय स्थान एक कषाय का उदय। और सत्व स्थान 28, 24, 21 ये तो है उपशम श्रेणी की अपेक्षा और शपक श्रेणी की अपेक्षा से यहाँ पर नहीं, 21 के बाद आएगा ना 13, 8 कषाय का क्षय किया, फिर नपुसक वेद का क्षय किया, फिर स्त्री वेद का क्षय किया, फिर 6 नौकषाय का क्षय किया, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह सत्व स्थान होंगे यहाँ नवे गुण स्थान में। क्षपक की अपेक्षा सब जगह उपशम की अपेक्षा अट्ठाईस चौबीस इक्कीस होंगे। अब दसवा गुण स्थान, इसमें यहाँ पे पांच का बंधा पहले होगा, फिर उसके बाद पांच दूसरे भाग में चार का बंध, तीसरे भाग में तीन का बंध, दो का बंध, फिर एक का बंध होगा। पांच बंध स्थान आएंगे, दस स्थान दो और एक का आएगा। और दसवें गुण स्थान में बंध स्थान जीरो, उदय स्थान एक संज्वलन लोभ सूक्ष्म लोभ, सत्व स्थान अट्ठाईस चौबीस इक्कीस और एक। ग्यारहवें गुण स्थान में, हाँ ग्यारहवें गुण स्थान में बंध जेरो उदय जेरो सत्व अट्ठाईस चौबीस और इक्कीस। आगे बारहवें गुण स्थान से बंध उदय सत्व तीनों भी नहीं है, तीनों का भी अभाव हुआ। अभी अपने सामने नकाश है, अब इसको लेकर के यहाँ पर एक को आधार बनाएंगे, फिर दो को आधे बनाएंगे, मतलब एक बाईस का बंध स्थान उसमें कौन कौन से उदय स्थान होंगे और कौन कौन से सत्व स्थान होंगे, इक्कीस के उदय में बंध कौन से उदय कौन से, ऐसा लेंगे। यहाँ पर बंध स्थान को आधार बनाया तो उस बंध स्थान में कुल उदय स्थान कौन से होंगे और सत्व कौन कौन सा पाया जाएगा, ऐसे करेंगे। हाँ फिर इक्कीस के बंध स्थान में कितने उदय स्थान और कितने सत्व स्थान, ऐसा ही करेंगे। सत्रह के बंध स्थान में उदय स्थान, बंध स्थान है उदय स्थान सरल है क्योंकि अभी जैसे आया वैसा ही आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें आगे, बाकी अभी लिखा है वैसा ही आ जाएगा उसमें बंध स्थान। उदय स्थान को लेकर के फिर वहां पर सत्व स्थान और वो करेंगे तो वहां थोड़ा सा ये हो जाएगा। और कितना बंध उदय एक साथ रह सकता है वो आते हैं। गाथा नंबर 652 है, मोहसय बंधोदय सत्तठाणान सौभंगाहु पत्ते उत्तम वहवे तेय संजोगे विसवत्थ। मोहसय बंध उदय सत्तठाणान सौभंगा तीस्तिय संजोगे भी पत्ते उत्तम व हवे सवत्त पत्ते उत्तम व हवे। मोने के बंध स्थान उदय स्थान और सत्व स्थानों के सर्वभंग त्रिसंयोग में भी, जैसे प्रत्येक में कहा प्रत्येक अलग अलग बंध स्थान उदय स्थान और सत्व स्थान कहा, उसी प्रकार यहाँ सर्वत्र प्रत्येक के समान ही होते हैं भंग। अब वो आगे बता रहे हैं गुण स्थानों में स्थान संख्या कहते हैं, कितने बंध स्थान है कितने उदय स्थान है उसकी स्थानों की संख्या बता रहे हैं। तिरपन नंबर गाता है, अट्ठसु एको बंधो उदया चतुति दुसु चौसु चत्तारी तिन्नीय कमसो सप्तम अट्ठसु एको बंधो, आठ गुण स्थानों में बंध एक ही है, मतलब बंध स्थान एक एक ही है। उदया चदु दुसु ती चौसु चत्तारी, मतलब पहले गुण स्थान में उदय स्थान चार है, पहले प्रारंभ के चार, फिर दो गुण स्थानों में उदय स्थान तीन तीन है, नौ आठ सात है, फिर चौसु चार गुण स्थानों में उदय स्थान चार है, नौ आठ सात छ, फिर आठ सात छ पाँच, फिर छ पाँच सात छ पाँच चार, ऐसे चार चार है। फिर चौसु चत्तारी, फिर तीन ने आठवें गुण स्थान में तीन ही उदय स्थान है क्रम से, फिर सप्तम तीन एक दो चौसु पणग तियम, आठवें गुण स्थान तक सब बता दिया। फिर सत्व स्थान कितने, पहले गुण स्थान में तीन है, दूसरे गुण स्थान में एक एक सत्व स्थान है अट्ठाईस का, फिर तीसरे गुण स्थान में दो सत्व स्थान है अट्ठाईस और चौबीस,
फिर चार गुण स्थानों में पांच सत्व स्थान है, चौथे पांचवे छठे सातवें में 28, 24, 21, 22, 23, 22, 21 ऐसे पांच सत्व स्थान है। फिर आठवें गुण स्थान में तीन है 28, 24 और 21। इस प्रकार आठवें गुण स्थान तक बंद स्थान कितने हैं, उदय स्थान कितने और सत्व स्थान कितने हैं ये बताया है इसमें। अब नवे गुण स्थान में बता रहे आगे, अनियति बंदतियं पणदुग एकार सुहुम उदयं सा ये चत्तार्य संते सत्तम तिन्नेव मोहस। अनियट्टी मैंने अनिवृत्तिकरण में, बंदतीय मतलब बंद, उदय और सत्व, बंद त्रिक मतलब तीनों लेना, क्रम से लगाना, बंद स्थान पण पांच है, उदय स्थान दुग दो और एक का दो है, और सत्व स्थान एक कार मतलब ग्यारह है, ग्यारह हुए थे ना अभी 28, 24, 21 फिर 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, 1 ग्यारह सत्व स्थान है। फिर सुहम उदयम सा, सूक्ष्म सांप्राय में बंद नहीं है, उदय और सत्व है, कितना है उदय एक है और अंश मतलब सत्व स्थान जो है वह चार है 28, 24, 21 और 1। और संते सत्तम तिन्ने वो मोहस, उपशांत मोह में बंद भी नहीं उदय भी नहीं, केवल तीन का तीन सत्व स्थान है, तिन्ने वो सत्तम 28, 24 और 21 मोहनीय का। इस प्रकार किस गुण स्थान में कितने है बताया, अब वो कौन से है, एक बंद स्थान है बताया पहले में और उदय चार है, उदय स्थान कौन कौन से लेना उसके ये बता रहे नाम, 22, 28, 29, 28, 28 पहले गुण स्थान में बंद स्थान एक है ऐसा बताया था, वो कौन सा है, 22 का है, और उदय स्थान चार बताए थे वो कौन से है, 10, 9, 8, 7 दशक चतुष्क। फिर सत्व स्थान तीन बताए थे वे कौन से हैं, 28, 27 और 26 मिच्छ बंधादि, इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधादि है, प्रबंध उदय सत्व है। फिर दूसरे विदेय गुणे, दूसरे गुण स्थान में 21 का बंध स्थान है और उदय स्थान नवयतियम नवक्त्रिक का है और सत्व स्थान 28 का है, 28 ही केले कहते थे, 28 ही झाले थे, 28 ही पाहिजे, हाँ 28 ही 656 70 नवयतियम 28, 70 बताते हैं 70 बंद स्थान 17 का है और उदय स्थान 9, 8, 7 और सत्व स्थान 28, 24 दो सत्व स्थान है 28 और 24। पुणवी पुनः चौथे गुण स्थान में 70 का बंद स्थान है और उदय स्थान 9, 4, 9, 8, 7, 6 और सत्व स्थान 28, 24, 23, 22 और 21। इस प्रकार अंशयम चौसु चार गुण स्थानों में यही सत्व स्थान है, आगे की भी बता दे इसमें। बंद स्थान उदय स्थान तो चौथे के बताएं और सत्व स्थान चार से लेकर सात गुण स्थान तक समान है वो बताएं। अब आगे पांचवे गुण स्थान में बंद स्थान उदय स्थान बताते हैं, 757 नंबर का आता है, 13, 14 से पमदिदरे नव सगादि चत्तारी तो नवगम छादितियम 28, 24 च बंधतियम। कहाँ पर 20 च बंधतियम ऐसा है, 20 नहीं 20 ऐसा है,
दो सौ नहीं चाहिए ना, तेरठ चौ देशे, मतलब देश संयत गुण स्थान में तेरह का बंद स्थान है और अठ चौ उदय स्थान, आठ चतुष्क अष्ट चतुष्क मतलब आठ सात छ पांच, पमदिदरे नव सगादि चत्तारे, और प्रमत्तर अप्रमत्त में नौ का बंद स्थान है और सात आदि चार उदय स्थान है, सात छ पांच चार, तो नवगम। फिर उसके बाद आठवें गुण स्थान में भी नव का बंद स्थान है, नव का बंद स्थान है और छादितियम छ पांच चार, छ से लेकर तीक, ये तीन उदय स्थान है। और सत्व स्थान आठवें गुण स्थान में अड़वीस चौबीस इगीवीस एम अट्ठाईस चौबीस और इक्कीस, इस प्रकार बंद त्रिक है, बंद उदय सत्व है, क्रम से लगा दो उसको, पहला बंद समझना, फिर उदय समझना, फिर सत्व समझना, ऐसे गाथा में संक्षेप में बता। अभी नहीं निकाल रहे, अभी तो कौन कौन से गुण स्थान में कितने बंद स्थान उदय स्थान और सत्व स्थान है ये बता रहे हैं, आगे बताएंगे अब आधार और आधेय, इसलिए ये नकाशा हमेशा रखेंगे तो अपन वो निकाल सकते। 658 नंबर गाथा है, पंचादि पंच बंधो नवम गुणे दोन्ने एकम उदयो दु अठ चतुरेक वीसम तेरा दे अठयम सत्त। नवे गुण स्थान में बता रहे हैं, पांच बंद स्थान बताए नवे गुण स्थान में, पंचादि पंच बंधो, पांच से लेकर पांच बंद स्थान है, पांच चार तीन दो एक, नवम गुणे नवे गुण स्थान में दोन्ने एकम उदयो, दो और एक का उदय है, और सत्व अट्ठ चतुर एक कवीसम अट्ठाईस चौबीस और इक्कीस, और सत्व तेरा दि अट्टयम, तेरह से लेकर ये तीन है और तेरह से लेकर आठ सत्व स्थान लेना, तेरह ग्यारह तेरह बारह ग्यारह फिर पांच चार तीन दो एक, ये आठ सत्व स्थान है। पहले भाग में शायद शपक श्रेणी की अपेक्षा से 21 होगा, फिर दूसरे अधिक भागों में तीसरे भाग से लेकर के आठ का क्षय होने पर 13, फिर एक एक नपुसक वेद का क्षय होने पर 12, फिर 11, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 रहेंगे। अब दसवें गुणस्थान में बता रहे, लोहे कुदो सुह में अड़चौरी भी समय कयम सत्तम अड़चौरी संसा संते मोहस गुण ठाने। लोहे कुदो सुह में एक लोभ का उदय सूक्ष्म सांप्रय गुण स्थान में है और सत्व अड़वीस चौबीस रिगिवीस मतलब इगिवीस अट्ठाईस चौबीस और इक्कीस, ये सत्व है और एक कयम और एक का सत्व है, और संते मतलब उपशांत मोह में अड़चौरिगी विसंसा अट्ठाईस चौबीस और इक्कीस, ये अंश अंश मतलब सत्व लेना अंश है मतलब सत्व है, इस प्रकार मोहस्य गुणठाने मोहनीय के गुण स्थान में ये बंद स्थान उदय स्थान और सत्व स्थान बताए। अब यहाँ से आगे एक को आधार और दो को आधेय बना करके कर वर्णन करेंगे, तो संयोग विशेष विशेष बता रहे हैं यहाँ पर। 660 नंबर गाता है, बंद पदे उदय सा उदय ठाणे विबंद सप्तम च सत्ते बंधुदय पदम इगि अधिकरणे दुगाधिज्यम दुगाधिज्यम दुगा ध ध चाहिए वहां पर दे हो गया है आधेय ऐसा। बंद पदे उदय सा बंद के स्थानों में उदय और सत्व स्थान, उदय के स्थान में बंद और सत्व स्थान, फिर सत्व में बंद और उदय स्थान, इस प्रकार एक को अधिकरण करना आधार करना और दो को आधेय बनाना, मतलब 22 का बंद स्थान होगा तो कौन कौन सा उदय स्थान और कौन कौन से सत्व स्थान होंगे,
21 का बंद स्थान होगा तो उदय स्थान कौन से और सत्व स्थान कौन से ऐसा आधार अध्यय बताएंगे। बंद स्थान को आधार बनाएंगे वो तो सरल जाएगा क्योंकि वो जैसा है वैसा ही होगा, उस उदय स्थान में आगे आएगा तो थोड़ा सा ही होगा। बंद स्थान को आधार बनाना है और उसमें सत्व स्थान और उदय स्थान और सत्व स्थान कौन कौन से है वो देखना है। तो पहला 22 का बंद स्थान, इसको आधार बनाया। अब यहाँ पर उदय स्थान कौन कितने हैं, 10 अधिक 4 है। 22 का बंद जब होगा तब 9, 10 का भी उदय रहेगा, 9 का 8 का है 7 का, तो उदय स्थान कितने होंगे 4, शुरू से 4 लेना। सत्व स्थान कितने हैं होंगे 3 होंगे, 28, 27 और 26। 22 का बंद जब होगा तो ये 3 सत्व स्थान होंगे। दूसरा बंद स्थान है 21 का, उस समय उदय स्थान कितने होंगे 3 ही होंगे और सत्व स्थान 28 का ही होगा। फिर 17 का बंद स्थान, इसमें उदय स्थान कितने आएंगे, उदय स्थान ज्यादा आएंगे ना, 4 भी आएंगे ना, 9, 8, 7, 6, 5 9, 8, 7, 6, 4 आएंगे, 9, 8, 7, 6 आएंगे। 17, 13 तीसरे गुणस्थान में भी और दूसरे गुणस्थान में भी है, तो 17 का बंद होगा तब उदय कौन कौन से रहेंगे, 9, 8, 7 और 6 का रहेगा, तो 4 उदय स्थान होंगे। और सत्व स्थान 5 ही होंगे, 28, 24, 23, 22 और 21 17 के बंद स्थान में 5 सत्व स्थान होंगे। पहले शुरू से 27 और 26 छोड़ना, फिर 5 लेना। फिर 13 का बंद स्थान, उसमें उदय स्थान 4 और सत्व स्थान 5, आगे 5-5 सत्व स्थान है ना। 9 का बंद स्थान, इसमें उदय स्थान कितने आएंगे 4 आएंगे, 7, 6, 5, 4 वहाँ तक 8वें गुण स्थान तक सभी लेना उदय स्थान। फिर यहाँ पर सत्व स्थान 5, फिर 5 का बंद स्थान, आप सोच के बोलना। अभी यहाँ पर 5 का बंद स्थान है, उदय स्थान कितने आएंगे और सत्व स्थान कितने आएंगे, उदय स्थान कितने आएंगे 5 के बंद स्थान में, 2 का उदय स्थान होगा और सत्व स्थान 28, 24 और 21 3 सत्व स्थान वो भी आएंगे ना, वो भी बताए थे। 5 के बंद हो रहा है तब 12 भी हो जाएगा ना, 13, 12 और 11 भी आया था, क्योंकि जब तक वो पुरुष वेद की बंद विच्छुत्ति नहीं होती है तो जितने प्रकृतियों का क्षय हुआ 13 का भी आएगा, 11, 12 का भी आएगा और 11 का भी आएगा। क्या उसमें नहीं आएगा, नहीं नहीं 5 तो कैसे आएगा, 5 के बंद में नहीं रहता है। पांच 24, 21, 13, 12, 11 होगा। जब अपन देखते हैं ना 9वें गुणस्थान में, वहां पर पहले 13, 8 का क्षय का क्षय करते तो 13 का सत्व रहता है, फिर नपुंसक वेद का क्षय करता है तो 12 का, फिर स्त्री वेद का क्षय किया तो 11 का, तो यहाँ पर सब 5 का ही बंधक है ना ये। फिर वो 6वें कषाय का क्षय करेगा तो 4 का बंधक हो जाएगा ना, उस समय 5 का बंधक नहीं रहता है। 4 के बंद विच्छुति तो 6वें कषाय के 8वें में हो गई और पुरुष वेद की, यहाँ पर पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषाय का बंध हो रहा है, तो जहां पर पुरुष वेद की बंद और उदय विच्छुति हुई वहां तक 5 का बंद है, तो वहां तक 11 का ही सत्व है ना। फिर इसके अगले समय में 6वें कषाय का एक साथ 6 हो जाएगा तो वहां पर 4 का बंधक होगा और यहाँ पर 2 सत्व स्थान होंगे, 5 का सत्व होगा कुछ काल तक।
फिर चार का ही सत्व रह जाएगा। जब एक समय कम दो अवली बीतेगी तो वहां पर ये ऐसे आएगा, चार का बंध में पांच का सत्व, चार का सत्व, ऐसे दो आएंगे। फिर तीन के बंध में चार का सत्व, तीन का सत्व, ऐसे आएगा। दो के बंध में तीन का सत्व, दो का सत्व, एक के बंध में दो का सत्व, एक का सत्व, ऐसे आएगा वहां पर। और पांच के बंध में ग्यारह का तक ही आ जाएंगे। तो 28, 24, 21 और 13, 12, 11 ये छह सत्व स्थान आएंगे पांच के बंध में। अब चार का बंध है यहाँ पर, एक मिनट, धीरे धीरे। उदय कितने का रहेगा? हाँ, चार के बंध स्थान में दोनों आएंगे। वो एक समय के लिए, एक समय के लिए जो नपुसक वेद और स्त्री वेद के उदय से जो चढ़ा है उसके द्विचरम समय में पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हुई और अंतिम समय में चार का बंध कर रहा है, उदय दो का आ रहा है। तो एक समय के लिए दो का आएगा और एक का आएगा, हाँ, दो उदय स्थान होंगे। और यह सत्व स्थान 28, 24, 21, इसमें चार का बंध स्थान में वो बताया था ना कि जो नपुसक वेद का के उदय से चढ़ा है वो स्त्री वेद और नपुसक वेद दोनों का एक साथ क्षय करता है। तो उसके अभी द्विचरण समय में पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हुई और चार का बंध करने लगा, तो अंतिम समय में तेरह का सत्व है उसके, तो तेरह का सत्व रहेगा। उस दिन देखा था अपने, फिर स्त्री वेद के उदय से चढ़ा उसकी अपेक्षा से बारह का सत्व होगा और पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है उसकी अपेक्षा से चार के बंध में, नहीं नहीं उसकी ही अपेक्षा से, स्त्री वेद की अपेक्षा से ही चढ़ाए उसके चार के बंध में ग्यारह का भी सत्व होगा। नहीं छह नहीं है क्या? छह ही बंध उदय स्थान है। तीन दिखाए थे ना उस दिन, पुरुष वेद नपुसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ, स्त्री वेद के उदय से चढ़ा और पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ। तो वहां नपुसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ है उसको पांच के बंध में तेरह का सत्व है और चार के बंध में भी तेरह का सत्व है अंतिम एक समय में। फिर उसके बाद चार का ही बंध करता है उसका बारह का सत्व हो जाता है, ग्यारह का सत्व हो जाता है एक साथ। और स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ है वो पहले पांच के बंध में बारह का सत्व उसको हो जाता है, फिर उसके बाद में चार का बंध जब करता है तब ग्यारह का सत्व हो जाता है। और फिर मतलब ये चार के बंध में तेरह का भी सत्व पाया गया, बारह का भी सत्व पाया गया, ग्यारह का सत्व पाया गया। ये स्त्री वेद और नपुसक वेद के उदय से चढ़े हुए जीवों की अपेक्षा से ये तीन आएंगे सत्व स्थान, पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए की अपेक्षा से नहीं आएंगे। ये पांच के बंध स्थान में तीन है, पांच के बंध स्थान में तेरह, बारह, ग्यारह आया वो पुरुष वेद की अपेक्षा से है। तेरह का तो सभी को है, बारह और ग्यारह जो है वो उसकी अपेक्षा से आए, पुरुष वेद की अपेक्षा से। और चार के उदय बंध स्थान में पांच और चार का भी सत्व पाया जाएगा। छह नौ का शायद की इच्छुति सत्व इच्छुति हुई लेकिन एक समय कम दो अवले मात्र पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध रहेंगे, इसलिए पांच का सत्व रहा, चार का बंध हो रहा है और सत्व पांच का। और फिर एक समय कम दो अवली बीतने के बाद उसको चार का बंध ही हो रहा है और चार का ही सत्व है, तो पांच और चार का भी सत्व स्थान आएगा। तो सबके अपेक्षा से कुल मिलाकर के चार के बंध स्थान में कौन कौन से सत्व स्थान होंगे वो पिछले कोष्टक देखेंगे तो समझ में आएगा। वहां पर पीछे कौन से पेज पर आया था ना कोष्टक, यहाँ को वेद की अपेक्षा से चार के बंध में बारह का और ग्यारह का सत्व आ गया। ग्यारह का तो सभी इसको स्त्री वेद और नपुसक वेद दोनों को आएगा, वो नपुसक वेद की अपेक्षा से। और स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ है उसको चार के बंध स्थान में बारह का और ग्यारह का वो सबको आएगा। और चार का बंध स्थान में पांच का सत्व स्थान ये पुरुष वेद की अपेक्षा से आएगा। नहीं नहीं, ग्यारह पुरुष वेद से नहीं आ सकता है, वो चार के बंध स्थान में उसको पांच और चार का ही सत्व पाया जाएगा पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए को। और नपुसक वेद के उदय से चढ़े हुए को चार के बंध स्थान में तेरह, बारह, तेरह, ग्यारह और चार आएगा, तेरह, ग्यारह और चार आएगा। और स्त्री वेद के उदय से चढ़े हुए जीव को चार के बंध स्थान में बारह, ग्यारह और चार आएगा,
ये है ना क्रम से यहाँ लिखा हुआ है, चार का बंद स्थान लिखा है ना, सत्व स्थान 13, 11, 4। स्त्रीवेद के उदय से चढ़ा हुआ जो है उसको चार के बंद में 12, 11 और 4, और पुरुषवेद के उदय से चढ़ा हुआ उसको चार के बंद स्थान में 5 और 4 ऐसे पाए गए सत्व स्थान। तो ये इसलिए 8 सत्व स्थान 4 के बंद स्थान में होंगे, तो 8 सत्व स्थान। अब 3 का बंद होगा तो वहां उदय 1 का ही होगा, यादव का उदय नहीं है। और सत्व 28, 24, 21 उपशम श्रेणी की अपेक्षा से और शपक श्रेणी की अपेक्षा से यहाँ दी है ना, 3 के बंद स्थान में 4 और 3 दो सत्व स्थान पाए जाएंगे। एक समय कर्म और समय प्रबद्धक की अपेक्षा से 4 का भी सत्व पाया जाएगा और उसको व्यतीत होने के बाद 3 का सत्व पाया जाएगा। तो कितने हो गए, 5, 28, 24, 21, 4 और 3। फिर 2 के बंद स्थान में उदय स्थान 1 का 1 ही होगा और सत्व स्थान वहां पर भी 5 होंगे, 28, 24, 21, 3 और 2 5 होंगे। 1 के बंद स्थान में वहां पर उदय स्थान 1 ही होगा और सत्व स्थान 28, 24, 21, 2 और 1 वहां पर भी 5 होंगे। और 10वें गुण स्थान का भी लेना पड़ेगा ना अबंध में, 10वें गुण स्थान में बंद नहीं है, अबंध है, उदय 1 है, सत्व स्थान 4 है। 11वें गुण स्थान में बंद नहीं है, उदय भी नहीं है और सत्व 3 है, 28, 24 और 21 ऐसे त्रिसंयोगी भंग आएंगे। यहाँ तक तो सरल था, ये उस गुण स्थान की अपेक्षा से वो उदय स्थान और सत्व स्थान आए थे। फिर यहाँ से लेकर के 5 का बंद अपगत वेद तक के पहले तक होगा तो उसमें कौन से उदय स्थान और सत्व स्थान पाए जाएंगे वो यहाँ पर देखना। इस आदि बंधे सुदय चौपंच छद्दो अठय एकम पंचे वतिठाने। 22 आदि बंधेसु, 22 अधिक बंधों में, मतलब क्रम से बंद स्थान लगाना, 10 बंद स्थान लिखना फिर उसमें क्रम से लगाना उदय और सत्व। उदय स्थान कितने हैं 4, सत्व स्थान कितने 3, 4 और 3। पहले 22 के बंद स्थान में 4 उदय स्थान और 3 सत्व स्थान। फिर दूसरा बंद स्थान है 21, उसमें उदय स्थान 3 और सत्व स्थान 1, 3 उदय स्थान और 1 सत्व स्थान। फिर तीसरे गुण स्थान में 17 के बंद स्थान में 54, 4 उदय स्थान 5 सत्व स्थान। फिर तीसु 3 बंद स्थान आएंगे, कौन से 17, 13 और 9 ना, 22 और 21 बताया और 13 भी बताया क्या, ऐसे 3 में ऐसा लेना 13, 9 और 17, 13 और 9 में 4 उदय स्थान और 5 सत्व स्थान, ऐसे तीनों में भी वे आएंगे। 17 के बंद स्थान में भी 4 उदय स्थान 5 सत्व स्थान, 13 के बंद स्थान में भी 4 उदय स्थान 5 सत्व स्थान, 9 के बंद में भी 4 उदय स्थान और 5 सत्व स्थान, ये 3 में लगाना। फिर 1 ही 6, 2 5 का बंद स्थान आया उसमें 1 उदय स्थान और 6 बंद स्थान सत्व स्थान। 5 का बंद है उसमें 2 लिए क्या, वो उस समय में 1 ही बोल रहे थे, इन्होंने 2-2 बोले, इसमें 4 के इसमें 2 दिया है, 4 के बंद स्थान में 2 आएंगे उदय स्थान 2 और 1 का, लेकिन 5 के बंद स्थान में उदय स्थान 2 का ही आएगा, 1 का नहीं आएगा। वही 2 प्रकृति का 1 ही उदय स्थान आएगा, 1 प्रकृति का उदय स्थान नहीं आएगा। 5 के बंद में 2 प्रकृति का ही उदय स्थान आएगा, मतलब 1 ही उदय स्थान आएगा,
नहीं वही बोल रहे थे उस समय, लेकिन एकदम हाँ संख्या लिखी है ना, कौन से था स्थान नहीं लिखे, दो प्रकृति का एक ही होगा, और चार के बंध स्थान में दो और एक का ऐसे दो उदय स्थान आएंगे, एक का उदय आएगा वहां पर, दो का मतलब दो का उदय चार के बंध स्थान में भी होगा और एक का उदय भी रहेगा। जो पुरुष वेद के उदय से चढ़ा है उसको चार के बंध स्थान में एक का ही उदय रहेगा, स्त्री वेद और नपुसक वेद के उदय से चढ़ा है उनको चार के बंध स्थान में दो का उदय रहेगा, ऐसे होगा। दो का मतलब एक वेद और एक कश है ऐसे। तो पांच के बंध स्थान में दो का एक ही बंध उदय स्थान है और छह सत्व स्थान है, एक ही छत दो। फिर चार के बंध स्थान में अठ यह एकम नहीं दो है ना, उसमें दो अठ उदय स्थान दो और सत्व स्थान आठ। चार के बंध स्थान में उदय स्थान कितने हैं, दो है, और सत्व स्थान कितने हैं, आठ है। फिर तीन के बंध स्थान में एक उदय स्थान और सत्व स्थान पांच, इस प्रकार तिट्ठाने लेना, तीनों स्थानों में एक उदय स्थान और पांच सत्व स्थान, तीन के बंध में, दो के बंध में और एक के बंध में, एक एक ही उदय स्थान है और सत्व स्थान पांच 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 है। एक गाथा में सब बता दिया चरण। अब कौन कौन से वे हैं वो बता रहे हैं, चार तीन ऐसा बताए ना, लेकिन चार मने कौन से लेना, तीन मने कौन से लेना वो बता रहे हैं आगे। ये संख्या बताइए, अब कौन कौन सी संख्या लेना वो बता रहे हैं। दशय चौपड़मतियम नवतियम अड़वीसयम नवादिचौ अड़चौति दुईगिवीसम अड़चौ पोवम वसत्तम तू। बंध स्थान में चार उदय स्थान और तीन सत्व स्थान बताए, वे कौन से लेना। दशय चौ उदय स्थान दश से लेकर चार लेना, मतलब दस नौ आठ और सात ये चार लेना, और सत्व स्थान कौन से लेना, पहले तीन अट्ठाईस सत्ताईस छब्बीस ये तीन लेना। फिर दूसरे गुण स्थान दूसरे बंध स्थान में इक्कीस में तीन उदय स्थान बताए, वे कौन से लेना, नवतियम नौ आठ सात लेना, और सत्व स्थान एक है तो अड़वीसयम अट्ठाईस लेना। तीसरे गुण स्थान में उदय स्थान तीसरे गुण स्थान में नहीं सत्रह के बंध स्थान में चार उदय स्थान बताए, वे नवादिचौ नौ से लेकर चार लेना, नौ आठ सात छ। फिर अड़चौ तिदो इगिवीसम सत्व कौन सा, पांच सत्व स्थान है अट्ठाईस चौबीस तेईस बाईस इक्कीस पांच सत्व स्थान है। फिर नौ के तेरह के बंध स्थान में चार उदय स्थान है, वे कौन से है, अड़चौ आठ से लेकर चार आठ सात छ पांच लेना। और सप्तम पूर्वम सत्व पहले के समान, मतलब अट्ठाईस से लेकर पांच लेना, अट्ठाईस चौबीस तेईस बाईस और इक्कीस। कैसे सब विषय उनके दिमाग में होगा तो वह जगह आता है, लेकिन 663 नंबर गाता है, पहले देखते तो वो सब सरल लगता है, फिर वो गाता है पढ़े तो वो समझ में नहीं आता है, ऐसे पहले अपने को पता हो तो लगता है हाँ गाता लग जाती है। सग चौ पुवम वंसा दुगमड़ चौरे कवि सतेरतियम दुगमे कंचय सत्तम पुवम वा अति पणग दुगम। घातक आया अपन नौ के बंध स्थान तक आ गए, अब पांच के बंध स्थान में बताएंगे। पांच के बंध स्थान में एक उदय स्थान है और छह सत्व स्थान है, तो सग चौ पूर्वम वंसा सात अधिक चार लेना, उदय स्थान चार है नौ के बंध में चल रहा है, नौ के बंध में सात अधिक चार उदय स्थान लेना, सात छ पांच चार, और अंसा वंसा है ना वहां पूर्वम व अंसा पूर्व के समान, व का अर्थ समान होता है, पूर्व के समान अंश मतलब सत्व है। फिर पांच के बंध में दो का सत्व उदय है
और अड़चौर इक्कीस तेरतीयम, 28, 24, 21 और 13, 12, 11 तेरा तेरा त्रिक, ये छह सत्व स्थान है। फिर चार के बंद स्थान में दुग एकम, दो और एक का उदय स्थान है। और सप्तम पूर्वम वा, सत्व पूर्व के समान, मतलब 28, 24, 21, 13, 12, 11 और अति पणग दुगम, और उसमें और दो सत्व स्थान है, 5 और 4 पणक दुगम, ऐसे 8 सत्व स्थान है। फिर आगे तिसु एकम उदो अड़चौरिगे वीस सत्त संयुतम चदुतिदयम तिदय दुगम दो एकम मोहनीयस। एक एक कम दो, एक एक का ही उदय है, एक एक कषाय का है। और सत्व अड़चौ रिगी वीस सत्त संयुतम चतुतिदयम, सत्व कैसे है 28, 24 और 21 के सत्व से सहित 4 और 3 का सत्व। फिर दो के बंद स्थान में इन तीन का तो सब में लगाना है, 3 और 2 का सत्व। और एक के बंद स्थान में इन तीन के साथ में 2 और 1 का सत्व, ऐसे मोहनीय के बंद उदय सत्व स्थान, एक मतलब बंद स्थानों में उदय स्थान और सत्व स्थान होते हैं। पहले खाली संख्या बताई थी, कौन कौन से लेना वो बताया, ये करना चाहिए था अपने को बोर्ड पर कोष्टक। उसमें तीन से तीन सत्व स्थानों से सहित 4 और 3 का सत्व, 28, 24 और 21 के साथ में चतुतिदयम, मतलब 4, 3। फिर 28, 24, 21 के साथ तिदय दुगम, 3 और 2। फिर 28, 24, 21 के साथ में 2 एकम, 2 और 1 का सत्व स्थान, ऐसे 5-5 है ना उसमें। तीन के बंद स्थान में भी 5 सत्व स्थान, 2 के बंद स्थान में और 1 के बंद स्थान में 5-5 है। तो 3 तो लेना ही सब में, 28, 24 और 21, उसमें उससे सहित 4 और 3 लेना, 3 और 2 लेना, फिर 2 और 1 लेना, ऐसे। तो इस प्रकार यहाँ उद्बंध को आधार और उदय और सत्व को आधेय बना करके कथन किया। फिर आप उदय को आधार बनाएंगे, बंदर सत्व को आधेय बनाएंगे, इसका बताते हैं आगे। अपन ऐसा ही कोष्टक पहले करते तो एक साथ संख्या और दोनों समझ में आएगी। अब उदय स्थान को आधार बनाया है, ये आधार है और ये दो आधेय। पहले उदय स्थान कितने है, 9 है। तो पहला उदय स्थान ये 10 का है, 10 का जब उदय होगा तो वहां पर बंद कितने का होगा, तो 10 का उदय स्थान क्या पहले गुण स्थान में ही है, और पहले गुण स्थान में बंद 22 का ही होता है, तो एक ही बंद स्थान होगा यहाँ, कौन सा होगा वह 22 का। यह अपन संख्या भी लिखते हैं और कौन सा वो भी लिख देते हैं यहाँ। फिर सत्व यहाँ पर सत्व स्थान 22, एक मिनट, 22 का 10 का उदय रहेगा तब सत्व कितने का रहेगा, विचार करके उत्तर देना वहां पर। तो सत्व कौन सा रहेगा वहां पर, तीनों भी रह सकता है ना, 28, 27 और 26 तीनों का सत्व स्थान रहेगा उसमें। तो सत्व स्थान 3 आएंगे, 10 क्या उदय केवल पहले गुण स्थान में है, इसलिए पहले गुण स्थान में जो है वो रहेंगे सब, 27 और 26 ये 3 सत्व स्थान आएंगे। अब दूसरा उदय स्थान है 9 का, और 9 का उदय पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 4 गुण स्थानों में है। तो 9 के उदय स्थान में बंद स्थान कौन कौन से होंगे, 21, 22, 21 और 17 तीन होंगे ना, 3 बंद स्थान होंगे, 22, 21 और 17, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक 9 का उदय है, तो वहां तक के सब बंद स्थान आएंगे। अब सत्व स्थान कितने हैं, तो यहाँ पर 9 के उदय स्थान में
28 का भी सत्व होगा, 27 का भी होगा, 26 का भी होगा, 28 24 भी आया, और 21 नहीं होगा ना, 21 तो शायिक समय दृष्टि के लिए है सत्व स्थान, और 9 का उदय उसको नहीं होगा शायिक समयत्व में। शायिक समयत्व में 9 का उदय किसकी अपेक्षा से है? वेदक समयत्व की अपेक्षा से है, और यह 21 का सत्व शायिक समय दृष्टि की अपेक्षा से है, और शायिक समय दृष्टि को 8, 7, 6 का उदय रहेगा, 9 का उदय नहीं रहेगा। 28, 24, 23, 22 भी पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक वो समय तो प्रकृति का उदय चल रहा है। तो यहाँ पर सत्व स्थान 28, 27, 26, 23, 22 इतने होंगे। कितने हो गए? 28, 27, 26, 23 और 22, मतलब 6 सत्व स्थान पाए गए, तो स्थान 6 हो गए। हाँ बराबर है कि सब 9 में सब नहीं होंगे, हाँ 9 के उदय स्थान होगा तो इतने सत्व स्थान पाए जाएंगे। अब 8 का उदय स्थान होगा, तो 8 का उदय भी पहले से लेकर के 5वें गुण स्थान तक है। तो यहाँ पहले गुण स्थान में 28, 27, 26 सत्व स्थान है, वो भी रहेंगे उसमें 8वें के, और 24, 22, 21 भी रहेगा, क्योंकि सहायक समय दृष्टि को भी 8 का उदय है 21 तक। हाँ 28 से 21 तक सत्व स्थान सब आएंगे, 7 आएंगे ना इसमें। पहले उदय बंद स्थान कौन कौन से है वो देखना रह गया, बंद स्थान तो 22 का होगा, 21 का होगा, 17 का होगा, 13 का होगा, तो 4 बंद स्थान आएंगे इसमें, 22, 21, 17 और 13। हाँ सत्व स्थान 21 का बढ़ेगा, 28, 27, 26, 24, 23, 22 और 21 होगा 7। अब 7 का उदय स्थान, वो भी 7 का उदय पहले गुण स्थान से है, अनंतानुबंध की विसर्जना किया हुआ जीव आता है उसमें, तो उसको भी रहेगा और उसको भी, हाँ 7, तो 28, 27, 26 तीनों रहेंगे उसको, फिर 24, 23, 22, 21 भी रहेगा। हाँ नहीं, हाँ बंद स्थान तो 22, 21, 17, 13 और 9 5 आएंगे, 5 बंद स्थान आएंगे, 22, 21, 17, 13 और 9 ये 5 आएंगे, और सत्व स्थान ये ही 7 होंगे, 28, 27, 26, 24, 23, 22 और 21 होंगे। अब 6 का उदय स्थान है, तो 6 का उदय कहाँ से प्रारंभ हुआ? 4वें गुण स्थान से प्रारंभ हुआ है 6 का उदय, तो 17 का बंद आएगा, 5वें गुण स्थान में 6 का उदय है वहाँ पर 13 का बंद होगा, 6वें और 7वें गुण स्थान में 6 का उदय वहाँ 9 का बंद है, यहाँ पर भी 9 का बंद, तो 17, 13 और 9 तीन बंद स्थान आएंगे, 17, 13 और 9। कहाँ पर? तो 28 का भी होगा पहले गुण स्थान में, 27 और 26 है, फिर जो क्षायिक समय तो करता है आनंदावंती की भी समझना की, तो वह 24 का सत्व होगा, फिर क्षायिक समय तो केवल 23, 22 और 21, क्योंकि उसको भी 7 का उदय है ना क्षायिक समय दृष्टि को भी, इसलिए 21 का भी सत्व आएगा उसमें, उसमें नहीं दिया क्या ये? पहले गुण स्थान में 27 और 26 का ये होगा, तो वहाँ पर जब
सात का उदय रहेगा तब 27 और 26 का सत्व नहीं रहेगा, क्योंकि उद्वेलना करने के बाद 27 और 26 का सत्व होता है। लेकिन यहाँ जो सात का उदय वो अनंतानुबंधी की विसर्जना करके जो पहले गुण स्थान में आया हुआ जीव है, तो उसको 28 का ही सत्व नियम से होगा ना, उसको 27 और 26 नहीं होगा, बराबर है। यहाँ पर आठ के उदय स्थान में भी नहीं रहेगा और आठ के इसमें आठ में रह सकता है ना, आठवें तो रह सकता है क्योंकि वो उसको भी है, सामान्य सबको है, लेकिन इसको नहीं होगा, सात के उदय वाले को नहीं होगा, 27 और 26 नहीं होगा, पांच ही उदय सत्व स्थान होंगे, बराबर है। 28, 24, 23, 22 और 21, बराबर, अपनी गलती यहाँ पर समझ में है। अब छह का उदय स्थान है, उसमें बंद स्थान 17, 13, हाँ वो मतलब सात का उदय पहले गुण स्थान में जो लिया है, 26 और 27 का सत्व कहाँ पर है, पहले गुण स्थान में, कब होता है, जब समय तो प्रकृति की उद्वेलना हो गई, फिर 27 का, फिर मिश्र की भी उद्वेलना हो जाने के बाद 26 का सत्व होता है, उसको पल्ले का असंख्या तो भाग का लगता है उद्वेलना पूरा होने में, और यह जो अनंतानुबंधी की विसर्जना करके पहले गुण स्थान में आया तब उसकी अपेक्षा से 9, 8, 8 और 7 का उदय है। हाँ तो वह एक अवली काल तक ही वो ऐसा लिया है ना, वहां पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं, ऐसी अवस्था एक अवली काल तक है, तो वहां पर उदय कितना रहा, 8, 9, 8, 8, 7, 7 ये मिथ्या दृष्टि के सामान्य की अपेक्षा से कितना है, 10, 9, 9 और 8 है, तो इनको तो तीनों प्रकार का सत्व पाया जाएगा, 27, 28, 27 और 26, लेकिन इस अपेक्षा से अनंतानुबंधी से रहित जो जीव है उस अपेक्षा से 27 और 26 का सत्व नहीं पाया जाएगा, क्योंकि एक अवली काल के लिए ही चार उदय है, तो सात का उदय अनंतानुबंधी रहित जीव के है, तो वहां पर सत्व 28 का ही नियम से पाया जाएगा, 27 और 26 नहीं पाया जाएगा। बराबर है। आगे छह के उदय स्थान में, छह का उदय कहाँ से प्रारंभ हुआ, चौथे गुण स्थान से, तो बंद स्थान 17, 13 और 9 है बंद स्थान, और उदय सत्व स्थान कौन कौन से होंगे वहां पर, 28 होगा, 24 होगा, 23, 22 और 21 आएगा, छह के इसमें पांच ही सत्व स्थान होंगे ये, 28, 24, 23, 22 और 21। और यहाँ पर चार का उदय जो है वो किसको है, शायद समय दृष्टि और औपशमिक समय दृष्टि की अपेक्षा से ही है चार का उदय, तो अभी अभी चार का नहीं आया, नहीं उदय स्थान नहीं आया ना अभी चार का, छः का आया है। अब पांच का उदय स्थान, पांच का उदय स्थान कहाँ से है, पांचवें गुण स्थान से है, और पांचवें गुण स्थान में शायद समय तो की अपेक्षा है, छठे गुण स्थान में वैदक समय तो की अपेक्षा भी है, क्योंकि आखिर के आते हैं ना वो औपशमिक और शायिक की अपेक्षा से है, और बीच में है वो दोनों को है कॉमन, पहला है वो वैदक समय दृष्टि को है, लास्ट का है वो शायिक समय दृष्टि को ही है, और बीच के दो दोनों को है, वैदक समय दृष्टि को भी और शायिक समय दृष्टि को भी, इस अपेक्षा से वहां देखेंगे। तो पांच का उदय स्थान है तो बंद स्थान 13, 9, 9 ही है, दो पाए जाएंगे, 13 और 9 दो बंद स्थान पाए जाएंगे, और सत्व स्थान कौन कौन से पाए जाएंगे, तो यहाँ पांच में पांच का जिनको उदय है उनको शायद समय दृष्टि या औपशमिक समय दृष्टि उसके अपेक्षा है, वैदक समय दृष्टि को पांच का उदय नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है, इसलिए 28, 24, 23, 22 भी आएगा और 21 भी आएगा शायद समय दृष्टि की अपेक्षा से। तो यहाँ उदय स्थान पांच का उदय स्थान में बंद स्थान 2, 13 और 9 और सत्व स्थान कितने पाए गए, 28, 24, 23, 22, 21 पांच ही पाए गए। अरे समझ में, वो उदय कहाँ कहाँ है वो देखना, पांच का उदय किनको किनको है,
तो दोनों आ गए उसमें, वेदक समय दृष्टि भी आ गए और शाही समय दृष्टि भी आ गए। इसलिए 21 का शाही समय दृष्टि, इसलिए 21 का भी सत्व रहेगा और वेदक समय दृष्टि आए इसलिए उसमें 23 और 22 का भी पाया जाएगा, और औपशमिक समय दृष्टि तो 28 का भी सत्व पाया जाएगा। वेदक तो दोनों की अपेक्षा से है। अब चार का उदय स्थान, चार का उदय स्थान कहाँ है? छठे और सातवें और आठवें गुण स्थान में, और वो किनको है? केवल औपशमिक समय दृष्टि और शायिक समय दृष्टि को है। वेदक समय दृष्टि को चार का उदय नहीं है, क्योंकि एक समय तो प्रकृति का उदय है ना उनको, एक शाय का, एक समय तो प्रकृति का, हास्य रति का और एक वेद का उदय है। तो चार का जो उदय है उसमें बंधस्थान कितने पाए जाएंगे? 9 ही पाए जाएगा, एक ही 9 का बंधस्थान पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर छठे और सातवें आठवें गुण स्थान में 9 का ही बंध हो रहा है। और सत्वस्थान कौन कौन से पाए जाएंगे? 28 का औपशमिक समय दृष्टि की अपेक्षा से पाया जाएगा, 24 का प्रथम उपशम द्वितीय उपशम समय दृष्टि की अपेक्षा आएगा, क्योंकि वेदक समय दृष्टि यहाँ नहीं लेना है, 24 और इसमें 23-22 नहीं आएगा, 21 का ही आएगा। आए समझ में? चार का उदय स्थान है तो बंद स्थान 1-9 का ही होगा, क्योंकि छठे सातवें आठवें गुण स्थान में 9 का ही बंद हो रहा है। चार का उदय स्थान छठे पांच सातवें आठवें गुण स्थान में औपशमिक और शायिक समय दृष्टि की अपेक्षा से है। तो वहां सत्व स्थान औपशमिक समय दृष्टि की अपेक्षा से 28 और 24 पाया जाएगा, और शाही समय दृष्टि की अपेक्षा से 21 पाया जाएगा। 23 और 22 जो है वो वेदक समय दृष्टि की अपेक्षा, जो शाही समय तो कर रहा है उसकी अपेक्षा है, तो वो उदय स्थान यहाँ पर चार का उदय स्थान उसको नहीं है, इसलिए वो सत्व स्थान नहीं पाए जाएंगे, 3 ही सत्व स्थान पाए जाएंगे। हाँ, द्वितीय उपशम समय दृष्टि लेंगे वहां पर, प्रथम उपशम समय दृष्टि में अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं होती है ना, मतलब इतने काल में वो कार्य नहीं होता है, और द्वितीय उपशम समय दृष्टि है तो वो अनंतानुबंधी की विसर्जना करके द्वितीय उपशम समय तो प्राप्त करता है उस अपेक्षा से। अब 3 का उदय स्थान नहीं है, 2 का उदय स्थान, 2 का उदय स्थान कहाँ है? 9वें गुण स्थान में है। तो 2 के उदय स्थान में बंध कितने का करेगा? वह 2 बताए ना, 5 और 4, 5 और 4 2 आ जाएंगे ना। स्त्रीवेद के उदय से जो चढ़ा हुआ जीव है या नपुसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है, उसको पुरुष वेद के बंध विच्छित्ति होने के बाद 4 का बंध हुआ और वहां 2 का उदय है, एक वेद का और कषाय का, इसलिए 2 के उदय स्थान में 2 बंध स्थान होंगे, एक 5 का बंध स्थान और 4 का बंध स्थान, 2 हो गए। और सत्व स्थान जो है वो 28 और 24 21, ये 3 तो पाए जाएंगे। हाँ, और कौन से पाए जाएंगे 2 के उदय स्थान में? 13, 12 और 11 भी पाया जाएगा, नपुसक वेद का जो ये करते हैं ना, 13, 12, 11। तेरह बारह और ग्यारह, ये 3 सत्व स्थान भी 2 के उदय स्थान में पाए जाते हैं। पुरुष वेद के उदय से चढ़ा है उसके भी होता है ना क्रम से, 2 का ही उदय चल रहा है और उसका सत्व 13 का, फिर 12 का होता है, फिर 11 का होता है। तो कितने आए यहाँ पर सत्व स्थान? 6 आए। अब 1 का उदय स्थान, बंध स्थान यहाँ पर 1 ही होगा, 1 का ही होगा, 1 के उदय स्थान में बंध 1 का ही होगा, 1 बंध स्थान ही 1 का आएगा, 1 प्रकृति का 1 बंध स्थान। सत्व स्थान वहां पर 28 24 21, और यहाँ पर सब आएंगे ना, वो एक के उदय में, हाँ बंध स्थान अपना फिर भूल गए मैं, यहाँ पर वो उदय स्थान 1 का, अब तो वहां पर बंध कौन कौन सा होगा? 5 का भी बंध होगा,
चार का भी बंद होगा, तीन का बंद होगा, दो का, आखिर तक एक का ही उदय है ना। सवेद भाग में वहां पर इसको एक का उदय है, इसको पांच का, एक का उदय है और पांच का बंद कर रहा है। पांच नहीं है क्या? पांच नहीं होगा, पांच नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पर यदि वो पुरुषवेद का उदय है तो वहां पर बंधवी चुति पहले होती है और उदय चुति बाद में होती है। इसलिए मतलब स्त्री वेद और नपुसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है उसको वेद की बंधवी चुति पहले होती है और उदय चुति बाद में होती है। तो आखिर तक जब तक पांच का, हाँ दो का उदय तब तक पांच का ही बंद होगा। हाँ तो एक का ही उदय है, हाँ एक कषाय का उदय है तो वहां वेद का बंद नहीं होगा इसमें, इसलिए चार तीन दो एक चार ही बंद स्थान आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर गलत हो गए, वो कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, बंद स्थान और उदय स्थान लगा रहे थे। यहाँ पर ये बंद स्थान बताना है, एक का उदय है और बंद कौन कौन सा होगा, चार का होगा, तीन का होगा, दो का होगा या एक का होगा। और सत्व स्थान उसमें 28 24 21 तो पाए जाएंगे एक के उदय स्थान में। और सत्व स्थान जो है कौन कौन से पाए जाएंगे वहां पर, पांच चार तीन दो एक तो पाए जाएंगे एक के उदय स्थान में, पांच चार तीन दो एक होंगे। 13 12 11 भी बताए क्या उसमें? 13 12 नहीं आएगा, ये बता रहे 13 12 नहीं आएगा। 11 जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है उसकी वो उदय चुति पहले हो जाती है, तो एक का कषाय का उदय चल रहा है, फिर उसके बाद वो सात नौ कषाय का एक साथ क्षय करता है। हाँ 11 पांच और चार तीन दो और एक पाए जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ सत्व स्थान पाए जाएंगे। ये समझ में आया ना कि 13 12 क्यों नहीं है, क्योंकि एक का उदय मतलब केवल कषाय का उदय, तो उसमें जब कषाय का उदय केवल रहता है तो वेद का सत्व रहेगा नहीं ना, क्योंकि पहले वेद की उच्छित्ति होती है फिर कषाय का ये होता है उदय चालू रहता है। तो इसलिए 13 12 नहीं आएगा, 11 आएगा उसमें कि जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद के साथ चढ़ा हुआ जीव है वो वेद की उदय विच्छित्ति होने के बाद क्या करता है, छह नौ कषाय का उपशमन करता है, इसलिए उसमें 11 का सत्व पाया जाएगा। पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए जीव में नहीं आएगा एक के उदय में 11 का सत्व, हाँ फिर पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए जीव को पांच का सत्व स्थान आएगा, क्योंकि उसके पहले छह नौ कषाय की सत्व विच्छित्ति होती है फिर पुरुष वेद की होती है। तो उसको स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ उसको पांच का सत्व स्थान नहीं आएगा एक के उदय स्थान में, पांच का सत्व स्थान आता है पुरुष वेद को ही, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में पांच का सत्व आता ही नहीं, एक साथ वो सात नौ कषाय का क्षय करता है तो चार का ही सीधा आता है। फिर जो स्त्री तीन अंक, ये तो चारों सत्व तीन अंक होंगे, चार तीन और दो और एक का सत्व, ये 11 का सत्व नपुंसक और स्त्री वेद की अपेक्षा है और पांच का सत्व पुरुष वेद से चढ़े हुए की अपेक्षा से है। इस प्रकार ये हो गया उदय स्थान। इसलिए मैंने कहा टेबल सामने रहेगा तो जल्दी है। नमेओ नने मिनाहं सच्च जुइठिरणमासे अंगी जुगम बंधुदय सत्तजुत्तम ठाण समुकितणम ओच्छम। पैंसठ नंबर गाता है, उदय स्थान को आधार बना के बंद स्थान और सत्व स्थान को आधे बना करके त्रिसंयोगी भंग किए यहाँ पर। दशयादि सुबंधंसा इगितियति छक्क चारि सत्तंच पण पणतिय पण दुगपण
मिगितिगा दुगा छच्चौ नवयम। ये उदय स्थानों में क्रम से लगाना। दशय आदिसु दशक आदिको में, बंधंसा बंध और सत्व अंश मतलब सत्व क्रम से लगाना। बंद इगी सत्वतीय, पहले दस के उदय स्थान में बंद स्थान एक सत्व स्थान तीन, 28 का एक बंद स्थान 22 का एक बताया था और तीन सत्व स्थान 28, 26, 27, 27, 26। अब कौन कौन से वो आगे बताएंगे, इसमें केवल संख्या बता रहे हैं। नौ के उदय स्थान में तीय छक्क, तीन बंद स्थान और छह सत्व स्थान। फिर आठ के बंद में चारे सप्तम, चार का बंद चार बंद स्थान कुल और सात सत्व स्थान। फिर सात के उदय स्थान में पण पण, पांच बंद स्थान पांच सत्व स्थान। फिर छह के बंद स्थान में तीन उदय स्थान तीय पण लगाना, तीन उदय स्थान बंद स्थान और पांच सत्व स्थान। पांच के उदय में दुग पण, दो बंद स्थान तेरह और नौ है, दो बंद स्थान और पांच सत्व स्थान। फिर चार के उदय में इगी तिग, एक बंद स्थान और तीन सत्व स्थान चार के उदय स्थान में। फिर दो का उदय स्थान उसमें दुगच्छ, दो बंद स्थान और छह सत्व स्थान। फिर एक के उदय स्थान में चौनवयम, चार बंद स्थान और नौ उदय स्थान सत्व स्थान। इस प्रकार संख्या बताई। अब कौन कौन से है वो क्रम से बताएंगे आगे गाथा में। दस के बंद में वगैरह सबके कौन कौन से वो एक और तीन लेना वो बता रहे हैं। परमं परमति चौपण सत्तरति गचदुसुबन्धयं कमसो परमति छसगमड चौति दुइगि बीससयं दोसु। तुमसे लगाना, पहले दश के उदय स्थान में एक बंद स्थान और तीन सत्व स्थान बताए, तो एक बंद स्थान कौन सा लेना, परमं पहला बंद स्थान। सत्व स्थान कौन से लेना, पड़मती पहले तीन सत्व स्थान 28, 27 और 26। फिर नौ के बंद उदय स्थान में तीन बंद स्थान बताए थे, वे तीन कौन से लेना, सत्तर नहीं नौ के इसमें पड़मम लिया था उसमें, अब पहले तीन लेना। नौ के उदय स्थान में पहले तीन नहीं पड़मती चौपन ऐसा लिया है ना वहां पर, मतलब सब बंद स्थान ही बताए, पहले सत्व स्थान नहीं बताए, सब बंद स्थान ही बता रहे हैं। दस के बंद स्थान, दस के उदय स्थान में पहला बंद स्थान, नौ के उदय स्थान में पहले तीन बंद स्थान, मतलब दस नहीं 22, 21 और 17। आठ के उदय स्थान में पड़म चौ, पहले चार बंद स्थान लेना 22, 21, 17 और 13। फिर सात के उदय स्थान में पांच बंद स्थान है, तो पहले पांच लेना 22, 21, 17, 13, 9 सात के उदय स्थान में। फिर छह का उदय स्थान उसमें तीन उदय स्थान है, तो कौन से लेना, 17, 13 और 9। फिर पांच के उदय स्थान में दो सत्व दो उदय स्थान दो बंद स्थान है, पांच के उदय स्थान में दो बंद स्थान है, वो दो कौन से लेना, 17 तिगल लिया था ना अभी। फिर चार उदय स्थानों में बंदयम क्रमशो बंद क्रम से लेना 17, 6 में कौन सा आया, तीन आए ना वह 17 तिगल। फिर पांच के उदय स्थान में दो दो बंद स्थान आए ना, पांच और चार का दो आया होगा, दो आए 13 और 9 आए, तो वो कहाँ से निकालना। चतुर्थ चार उदय स्थानों में बताया,
चार उदय स्थान मतलब पांच चार दो एक लेंगे ना वहां पर, नहीं ऐसा वो बराबर है, ये दस नौ आठ सात छ पांच क्रम से लगाना है ना यहाँ पर। कौन से गुणस्थान तक आए यहाँ पर, तदादि चतुष्कम, तदादि पंचकम, सप्तक आदि दशत्रयम, यहाँ तक ही बताया उन्होंने भवंती। कहाँ तक हो गया, ये छ के उदय स्थान तक हो गया, छ के उदय स्थान तक बता दिया। फिर आगे सत्व स्थान बताते हैं क्रम से, पड़मति, छ के छ उदय स्थानों में सत्व स्थान कौन कौन से बताएंगे। पड़मति पहले तीन सत्व स्थान, अट्ठाईस सत्ताईस और छब्बीस, फिर पड़मति, फिर छ, पड़म छ लेना पहले, छ अट्ठाईस सत्ताईस छब्बीस चौबीस तेईस बाईस, नौ के उदय स्थान में, नौ के उदय में छह सत्व स्थान है, आठ के उदय में सात सत्व स्थान है, वो पढ़ मसग लेना पहले सात लेना, अट्ठाईस सत्ताईस छब्बीस तेईस चौबीस तेईस बाईस इक्कीस, सात हो गए। फिर सात के उदय स्थान में पांच बंद, सात के उदय, छह के उदय स्थान में, सात के उदय स्थान में पांच सत्व स्थान है, वो कौन से लेना, चौ तिदु इगी बीस स्वयं दोसु, पड़मती फिर पड़म छ पड़म सगम लेना, सगम हो गए कि छ, आठ के सत्व स्थान, आठ के उदय स्थान में सात सत्व स्थान हो गए। अब आगे सात के उदय स्थान में पांच सत्व स्थान है, वो कौन से, अड़ बीस चौबीस ती बीस दो बीस लेना, अट्ठाईस चौबीस तेईस बाईस और इक्कीस, ये पांच लेना सात के उदय स्थान में। फिर छह के उदय स्थान में भी वही पांच लेना, अट्ठाईस चौबीस तेईस बाईस, तेईस बाईस और इक्कीस, ये दो सौ बताए ना दो में, सात और छह के उदय स्थानों में पांच पांच लगाना। इस प्रकार ये छह उदय स्थान तक बताए सब, बंद स्थान और सत्व स्थान बताए। अब पांच के उदय स्थान में कितने बंद स्थान है और उदय सत्व स्थान है वो बताएंगे आगे। 767 नंबर गाता है, तेरदुपुवंसा नवमड़ चौरे कवि स सत्तमदो पणदुगमड़ चौरे कावीसम तेर सत्यम सत्तम। अब पांच के उदय स्थान में दो बंद स्थान बताए थे, वो दो कौन से लेना, तेरधु तेरह और नौ, और सत्व पहले के समान पांच लेना, अट्ठाईस चौबीस इक्कीस तेईस, नहीं तेईस बाईस और इक्कीस लेना। फिर चार के उदय स्थान में, चार के उदय स्थान में नवम अड़ चौ रेकवीस सत्तमदो, उसमें एक नौ का बंद स्थान है केवल चार के उदय स्थान में, और सत्व स्थान तीन है, वे कौन से आएंगे, अड़वीस चौबीस इक्कीस, अट्ठाईस चौबीस और इक्कीस। फिर दो के उदय स्थान में पण दुग दो, ये है बंद स्थान पांच और चार, ये दो बंद स्थान है, और सत्व स्थान अड़ चौर इक्कीस तेरह सत्यम, अट्ठाईस चौबीस इक्कीस तेरह बारह ग्यारह, ये छह सत्व स्थान है और सप्तम, ये हो गया इस गाथा में। पांच चार और दो के उदय स्थान में बताया यहाँ पर, अब एक के उदय स्थान में आगे बता रहे हैं, सत्व स्थान उदय स्थान और बंद स्थान और सत्व स्थान बताते हैं आगे। 668 नंबर गाता है, चरे में चरे में चदुति दुरेकम अट्टय चदुरेक संजुदम वीसम एकारादि सवम कमेन ते मोहनीयस। एक का उदय स्थान है, उसमें चदु तिदु एकम चार तीन दो एक, ये चार बंद स्थान आएंगे,
और सत्व स्थान अट्ट चतुरेक संजुदंग बीसम आठ बीस चार मतलब अट्ठाईस चौबीस इक्कीस और इक्कार आदि सवम और ग्यारह से लेकर सभी तो ग्यारह पाँच चार तीन दो और एक ये सभी सत्व स्थान मोहनीय के पाए जाते हैं। मैं उदय स्थान को आधार बना के बंद स्थान और सत्व स्थान बताए। हाँ मतलब आठ का उदय अलग अलग प्रकार है, उसमें अलग अलग प्रकार में अलग अलग होगा ऐसे भंग की अपेक्षा, लेकिन सामान्य आठ का उदय रहेगा तो इतने का बंद रहेगा, इतने का सत्व होगा। अब यहाँ पर सत्व को आधार बनाएंगे, फिर बंद और उदय को आधेय बनाएंगे। मोहनीय के सत्व स्थान कितने हैं? पंद्रह है, तो सत्व स्थान को आधार बनाना है और बंद स्थान और उदय स्थान को आधेय बनाना है। तो पहला सत्व स्थान है अट्ठाईस, अट्ठाईस प्रकृति का सत्व स्थान कहाँ से कहाँ तक है? पहले गुण स्थान से लेकर ग्यारहवें गुण स्थान तक, सभी गुण स्थानों में सत्व स्थान है, मतलब सत्व है। हाँ, तो यहाँ पर बंद स्थान क्या होंगे? सभी के सभी आएंगे, क्योंकि सभी गुण स्थानों के बंद 28 की सत्ता में होंगे ही, इसलिए 10 बंद स्थान सब आएंगे। दस बंद स्थान कौन कौन से सब आएंगे इसमें? 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2 और 1 सब बंद स्थान आ गए। हाँ, और उदय स्थान कौन कौन से आएंगे उसमें? सभी आएंगे, क्योंकि सभी में है ना उसका उदय सत्व, 28 का सभी में है, तो 28 के सत्व में 10 का भी उदय रहेगा, 9 का भी उदय रहेगा, 8 का भी उदय रहेगा, 7 का भी उदय रहेगा, मतलब औपशमिक समय दृष्टि की अपेक्षा से 28 का सत्व रहता है ना, तो 7 का उदय आगे जो है वो, 6 का उदय, 5 का भी रहेगा, 4 का भी रहेगा, उदय 3 नहीं होता है, 2 और 1 का भी उदय रहेगा, तो 9 के 9 सभी उदय स्थान आएंगे। 28 के सत्व में सभी प्रकार का बंद है, सभी प्रकार के उदय स्थान है। उसमें कुछ प्रकार नहीं आएंगे, जैसे शाही समय दृष्टि का प्रकार है वो 28 के सत्व में नहीं आएगा, तो शाही समय तो में जो जो उदय स्थान है उस अपेक्षा, लेकिन औपशमिक के भी वे उदय है इसलिए वो ले लिया है। अब 27 का सत्व स्थान कहाँ पर है? वो सत्व स्थान केवल पहले गुण स्थान में है, तो बंद कितने का होगा वहां पर? कितने बंद स्थान होंगे? एक, केवल 22 का ही बंद होगा, आगे 27 का सत्व है ही नहीं, इसलिए 22 का ही बंद होगा 27 के सत्व में। और उदय स्थान जो है वह 4 भी नहीं आएंगे, 7 नहीं आएगा, 3 ही आएगा ना, 10, 9 और 8 अनंतानुबंध रहित स्थान में 7 है, और 27 का सत्व अनंतानुबंधी रहित के नहीं पाया जाता है, इसलिए 3 ही उदय स्थान आएंगे, 10, 9 और 8 तीन उदय स्थान आएंगे। अब 26 का सत्व स्थान, इसमें बंद स्थान एक ही आएगा 22, और उदय स्थान 3 ही आएंगे, ये 10, 9 और 8 ये आएंगे। अब 24 का सत्व स्थान, 24 का सत्व स्थान किसको होगा? जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है, तीसरे गुण स्थान के ऊपर वहां पर 24 का सत्व है,
तीसरे गुण स्थान में भी आ सकता है ना वह। हाँ, तो इस अपेक्षा से वहां पर बंद सत्रह का, सत्रह का भी बंद होगा। चौबीस लेकिन वहां आने के बाद अट्ठाईस का सत्व हो जाता है ना, पहले समय से बांधता है इसलिए सत्व हो जाता है, उदय नहीं है सत्व है। तो सत्रह का होगा चौथे, तीसरे चौथे गुण स्थान की अपेक्षा। पांचवें गुण स्थान में भी चौबीस का सत्व है तो तेरह का होगा, फिर नौ का भी होगा क्योंकि आगे में चौबीस का सत्व ग्यारहवें तक है। हाँ, तो नौ का भी बंद आएगा, फिर पांच चार तीन दो और एक का भी बंद स्थान आएगा क्योंकि नौवे गुण स्थान के सभी बंद स्थान उसको पाए जाएंगे क्योंकि चौबीस का सत्व सभी जगह है। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बंद स्थान हो गए। केवल बाईस और इक्कीस नहीं है, बाईस और इक्कीस नहीं है, इक्कीस इक्कीस केवल यहाँ अट्ठाईस में ही पाया जाएगा इक्कीस का बंद स्थान। और यहाँ पर उदय स्थान देखो अब, चौबीस का जब सत्व रहेगा तो वहाँ उदय स्थान नौ का पाया जाएगा, नौ आठ सात छः पाँच, इधर की अपेक्षा से तो आएगा वो पाँच, यानी पाँच वाले एक एक तो वेदक समिति होना चाहिए या द्वितीयोपशम समय दृष्टि। पाँच चार का उदय पाए, हाँ नहीं द्वितीयोपशम समय दृष्टि को पाँच का उदय स्थान रहता है ना उसको, ये यहाँ पर ये पाँच का उदय स्थान द्वितीयोपशम समय दृष्टि की अपेक्षा से लिया है और शाही समय दृष्टि की अपेक्षा से है, लेकिन चौबीस का सत्व शाही समय दृष्टि को नहीं रहेगा इसलिए मैंने कहा कि उपशम समय दृष्टि की अपेक्षा से आएगा। हाँ, और नवे गुण स्थान में जब उपशम श्रेणी चढ़ता है तो वहाँ क्रम से सब उदय स्थान आएंगे, चार तीन दो नहीं, तीन नहीं है दो और एक, तो दस को छोड़कर सब उदय स्थान आ गए, इसमें आठ उदय स्थान आ गए चौथे गुण मतलब चौथा सत्व स्थान। फिर अब एक तेईस का सत्व स्थान, अब यहाँ तेईस का सत्व स्थान किसको है, जो वेदक समय दृष्टि शायद समय तो कर रहा है उसकी अपेक्षा से है। तो बंद चौथे गुण स्थान में भी होगा, पांचवें छठे सातवें में होगा, तेईस बाईस की सत्ता वाला और वेदक समय दृष्टि होगा, तो उसको बंद स्थान सत्रह का होगा, तेरह का भी होगा और नौ का होगा। तीन ही बंद स्थान आएंगे क्योंकि चार से सात गुण स्थान है ना, तो तेरह सत्य सत्रह तेरह और नौ तीन बंद स्थान आएंगे। उदय स्थान उसको तेईस का ये कर रहा है तो नौ का भी उसको उदय होगा, आठ का भी होगा, सात का भी होगा, छः का भी होगा और चौबीस का सत्व है तो पाँच का भी सत्व आएगा और चार का भी उदय सत्व है। हाँ, चार का तो उदय एक तो उसको होगा क्षय समय दृष्टि को, छः और पाँच आएगा उसमें क्योंकि वेदक समय दृष्टि ही लेना ही है तेईस के सत्ता वाला। हाँ, इसलिए चार का चार का उदय एक तो औपशमिक समय दृष्टि को या शाही समय दृष्टि को है इसलिए वह नहीं आया चार का उदय स्थान। तो कितने आए, पांच उदय स्थान आए, नौ आठ सात छः पाँच। इसी प्रकार बाईस की सत्ता वाले का भी यही होगा, ये दोनों जीव एक ही है ना, तो उसके भी तीन ही बंद स्थान होंगे, तेरह नौ और पांच ही सत्व स्थान होंगे, सत्व स्थान है उदय स्थान होंगे, नौ आठ सात छः और पांच। समझ में आया, चार क्यों नहीं पाया गया ये बताया, क्योंकि तेईस और बाईस का सत्व ले रहे हैं तो वेदक समय दृष्टि है नियम से, और वहां पर चार का जो उदय पाया गया है वो औपशमिक और शायद समय दृष्टि की अपेक्षा से है। अब बाईस के बाद इक्कीस का सत्व, अब इक्कीस मतलब नियम से शायद समय दृष्टि है तो उसके बंद स्थान चौथे पांचवें छठे सातवें गुण स्थान के तीन आएंगे, सत्रह तेरह
और वहां पर भी आएंगे। उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसके अपेक्षा से नौवे दसवे ग्यारहवे गुण स्थान में भी 21 का सत्व है, तो यहाँ पर वो भी बंद स्थान आएंगे 5, 4, 3, 2 और 1। तो कितने पाए गए? हाँ, केवल 22 और 21 नहीं, बाकी सब है, 8 बंद स्थान पाए गए। उदय स्थान उसको कौन कौन से रहेंगे? 21 की सत्ता वाले को। अब 21 की सत्ता कहाँ से है? यहाँ से है, लेकिन 8 से लेकर होगी, 9 का नहीं होगा उसको सत्व, उदय नहीं होगा। तो 8, 7, 6, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 6, 5, 4 ये होगा 5, 4, फिर 2 और 1 का भी उदय होगा। तो 8 से लेकर के 1 तक, तो 10 और 9 का उसको उदय नहीं होगा। हाँ, वेद समय दृष्टि नहीं है, इसलिए 7 उदय स्थान होंगे। 8 से लेकर 8, 7, 6, 5, 4, 2 और 1। ये अब आगे है सत्व 13 का सत्व। 21 में से 8 कम हो गए तो 13 का सत्व हो गया। 13 का सत्व कहाँ पाया गया? 90 गुण स्थान में ही पाया गया, और शपक श्रेणी की अपेक्षा से ही। तो वहां बंद स्थान कितने हैं? 5 का और 4 का, 2 आएंगे। उसके पुरुष वेद और सभी तीनों जो है वो 5 के बंद में, 13 के सत्व स्थान है, 5 के बंद में भी है, और 4 का बंद में भी जो नपुंसक वेदी है उसको 13 का सत्व पाया जाता है, इसलिए 5 और 4 दो बंद स्थान आएंगे। बराबर है ना? मैंने भी देखा हुआ नहीं है इसलिए गलत हो सकता है कुछ। दो बंद स्थान है, उदय स्थान जो है वह 13 के सत्व में कौन कौन सा उदय रहेगा? 2 का उदय और 1 का उदय। 1 का उदय नहीं आएगा, 1 ही आएगा। 1 का उदय हो जाएगा तब वहाँ उसकी सत्व इच्छुति हो जाएगी ना, 11 का सत्व आ जाएगा उसको, नपुसक वेदी को। इसलिए 2, 13 के सत्व में 2 का ही उदय आएगा, 1 का उदय नहीं पाया जाएगा, 1 ही उदय स्थान पाया जाएगा। हाँ, 1 उदय स्थान मतलब 2 का 1 उदय स्थान। फिर 12 के सत्व में वहां पर भी बंद स्थान 2 होंगे, 5 और 4। ये पुरुष वेदी की अपेक्षा से 5 का आएगा, और वो स्त्री वेदी उसके अपेक्षा से 4 के बंद में 12 का सत्व रहता है उनको। और उदय स्थान यहाँ पर भी 12 के सत्व में 1 ही उदय स्थान होगा, 2 का 1 ही उदय स्थान होगा। फिर 11 का सत्व, इसमें भी 2 बंद स्थान होंगे, 5 और 4, 2 ही बंद स्थान होंगे। पुरुष वेद की अपेक्षा 5 का है, और नपुंसक वेद और स्त्री वेद की अपेक्षा से 4 का बंद है 11 के सत्व में। वो कोष्टक है ना, पूर्ण फिक्स होना चाहिए तो वो अच्छे तरह से लग जाता है। 200 कितने पेज पर अभी बताया था ना, 71 पेज पर। ओ, मतलब किस बंद में कौन कौन सा सत्व है वो थोड़ा सा ये करना। अब 11 के सत्व में उदय जो है वह 2 का और 1 का होगा, क्योंकि स्त्री वेद पुरुष वेद वाले को 1 का भी उदय हो सकता है, और पुरुष वेद वाले को 2 का उदय रहेगा, और स्त्री और नपुंसक वेद वाले को 1 का उदय होगा। क्योंकि वहां पर उनके वेद की विच्छुत्ति हो जाने के बाद 11 का सत्व उनको पाया जाता है, इसलिए 2 और 1 ऐसे 2 उदय स्थान होंगे। फिर आगे सत्व 5 का, 5 का सत्व उसमें बंद स्थान 1 ही 4 का होगा। ये पुरुष वेद की अपेक्षा से पुरुष वेद की बंद विच्छुत्ति हो जाने के बाद यहाँ पर 5 का सत्व रहता है, तो यहाँ पर बंद 1 कषाय का ही हो, मतलब 1 ही बंद स्थान होगा 4 का 4 कषायों का। 5 का सत्व स्थान है, बंद स्थान 4 का, उदय स्थान जो है वहां पर 1 ही उदय स्थान होगा, 1 का 1 उदय स्थान होगा।
क्योंकि एक कषाय का ही उदय है, चार के बंद सत्व स्थान में, चार का सत्व स्थान है और वहां बंद स्थान दो होंगे। हाँ, चार के बंद में चार का सत्व है और जब एक बंद में चित होने जाने के बाद में चार का सत्व कुछ काल तक रहता है, तीन के बंद में चार का सत्व और तीन का भी सत्व होता है ना, ऐसा उल्टा दिखाया था ना आपको, तीन का बंद हो रहा है तो कुछ काल तक चार का सत्व और तीन का सत्व, फिर उसके बाद में फिर दो का बंद है वहां पर तीन का सत्व कुछ काल तक, फिर दो का सत्व, फिर एक का बंद है कुछ काल तक दो का सत्व, फिर एक का सत्व, ऐसे बताया था ना। तो तीन बंद है तो उसमें दो सत्व पाए गए, तो चार के सत्व में तीन का भी बंद पाया जाएगा और पहले जो था चार का भी बंद पाया जाएगा। पुरुष वेद से चढ़ा हुआ जीव है उसकी यहाँ पांच का बंद हो रहा था तो कितना सत्व था, ग्यारह का सत्व था। फिर उसकी वह छह नौ कषाय की बंद चित्ती सत्व चित्ती हो गई, फिर वह चार का बंद करने लगा तो यहाँ पर कितना सत्व था, पांच का और कुछ काल तक, और फिर उसके बाद चार का सत्व पाया गया। फिर तीन का बंद चालू हुआ तो वहां कुछ काल तक चार का सत्व पाया गया, फिर उसके बाद में तीन का सत्व पाया गया, तो यहाँ पर जब पांच का सत्व होगा तो उसमें बंद एक चार का ही आएगा, चार का सत्व होगा तो उसमें ये यहाँ पर भी चार का सत्व है, यहाँ पर भी चार का सत्व है, तो चार का बंद और तीन का बंद दो आएंगे, तीन के सत्व में तीन का बंद और दो का बंद ये दो आएंगे। तो चार का सत्व है तो वहां पर चार का बंद और तीन का बंद आएगा, तीन का जब आएगा तो यहाँ पर भी दो सत्व, तीन सत्व स्थान में दो बंद स्थान आएंगे, तीन का बंद और दो का बंद, ये नवक समय प्रबद्ध की अपेक्षा से लेना है। यहाँ तीन के सत्व में हाँ उदय तो एक एक ही रहेगा, सब जगह उदय एक उदय स्थान एक प्रकृति का, यहाँ एक उदय स्थान एक प्रकृति का, और दो के सत्व में दो बंद स्थान आएंगे, दो का बंद स्थान और एक का बंद स्थान, और एक के बंद स्थान में भी दो एक ही आएगा, यहाँ पर एक ही बंद स्थान एक का एक ही बंद स्थान आएगा, और यहाँ उदय स्थान एक एक ही पाए जाएंगे। हो गया है, सत्व स्थान को आधार बना करके बंद स्थान और उदय स्थान को आधेय बना करके यहाँ गठित किया। एक बार है ना वो शपक श्रेणी के तीन वेदों की अपेक्षा से जो बंद उदय सत्व स्थान है उसको दिमाग में बिठाना चाहिए तो बराबर आता है। वो जो कोष्टक है ना 271 पेज पर बताया था ना वो एकदम फिक्स करो तो बराबर समझ में आता है। गाथा पढ़नी 669 नंबर गाथा है। सत्पदे बंधु दया दस नव एक दुसु अड़ पण दुसु अड़सग दुगी दुसु बिगी बिबिगी गि है दुगी तिसु इगि सुन्न में कंच। बंद स्थान उदय स्थान बताए। सत्य पदे सत्व स्थानों में बंधु दया बंद स्थान और उदय स्थान कितने हैं, पहले 28 के सत्व स्थान में क्रम से लगाना, सत्य नव नहीं दस नव, दस बंद स्थान नव उदय स्थान, फिर 27 और 26 दुसु लेना है, दुसु दो सत्व स्थानों में इगिति एक बंद स्थान तीन उदय स्थान, फिर तीसरा सत्व 24 का सत्व उसमें अडड आठ बंद स्थान आठ उदय स्थान, फिर 23 के सत्व में तीपण तीन बंद स्थान पांच उदय स्थान, फिर दुसु 22 और 21 दोनों में लेना, 22 और 21 में नहीं नहीं 23 और 22 दोनों में ती और पण लेना, तीन बंद स्थान पांच सत्व स्थान, फिर 21 के सत्व स्थान में अड़सग आठ बंद स्थान और सात सत्व स्थान उदय स्थान, आठ बंद स्थान और सात उदय स्थान, फिर 13 के सत्व में और 12 के दुसु में लगाना,
दो सत्व स्थानों में दो इगी, दो बंद स्थान एक उदय स्थान, फिर बीबी दो दो, 11 के सत्व स्थान में दो बंद स्थान दो उदय स्थान, फिर पांच के बंद स्थान, पांच के उदय सत्व स्थान में गी गी मतलब एक एक, एक बंद स्थान एक उदय स्थान, फिर चार तीन दो तिसु लगाना, तिसु मतलब तीन सत्व स्थानों में, चार के सत्व स्थान में, तीन के सत्व स्थान में और दो के सत्व स्थान में दो इगी, दो बंद स्थान और एक उदय स्थान, फिर इगी एक के बंद स्थान में इगी सुन्नम एक कमच, एक का जो उदय स्थान दसवें में लगाना, वो यहाँ पर नहीं लगाया, दसवें में एक का उदय सत्व स्थान है वहां पर शून्य का बंद है और एक का सत्व स्थान है, मतलब वहाँ उदय स्थान है सत्व स्थान है उदय स्थान, एक का सत्व है वहां पर शून्य बंद और एक उदय लेंगे, दसवें गुण स्थान में लेंगे। हाँ मतलब वो एक का सत्व स्थान उन्होंने नवे में नहीं लगाया, दसवें में ही लगाते हैं, ऐसे नवे में भी एक का सत्व है, वो आखिर के जो एक भाग रहा है ना उसमें बादर लोभ मतलब लोभ कषाई ही है माया की सत्व इच्छित होने के बाद, लेकिन उसकी विवक्षा न लेकर के वो दसवें में एक का सत्व बताते हैं। तो यहाँ एक शून्य और एक ऐसा लेना। आगे अब कौन कौन से है वो बता रहे हैं, यहाँ इसमें संख्या केवल बताइए, दस नौ एक तीन दो ऐसे बताई संख्या, आठ आठ तीन पाँच ऐसे, अब वो कौन कौन से लेना उसके नाम बताते हैं आगे। 670 नंबर का आता है, सौवम सयलम पड़मम दसतीय सत्तरादियम सौवम नवय पहुड़ी सयलम सत्तरती नवादिपण दुपदे। पहले 28 के सत्व स्थान में 10 बंद स्थान और 9 उदय स्थान बताए थे, वे सौवम सब लेना है, सयलम मतलब बंद स्थान सब और उदय स्थान सब, फिर 27 और 26 दो में एक और तीन बताए थे, एक बंद स्थान और तीन सत्व उदय स्थान, तो कौन से लेना, परमम बंद स्थान जो है पहला लेना 22 और उदय स्थान दशतीय मतलब 10 9 8 ये तीन लेना, दशत्रिक लेना दुसु, फिर सत्तरादियम सौवम, फिर 24 के सत्व स्थान में 8 8 बताए थे, 8 बंद स्थान और 8 सत्व उदय स्थान बताए थे, तो 8 कौन से लेना बंद स्थान, 17 से लेकर के सब 8 लेना सौवम, और उदय स्थान नवय पहुड़ी सैलम 9 से लेकर सब, मतलब पहला बंद स्थान छोड़ना और पहला उदय स्थान, बंद स्थान पहले दो छोड़ना और उदय स्थान पहला एक छोड़ना, क्योंकि दोनों भी 8 8 है ना, बंद स्थान कुल 10 है उसमें 22 और 21 छोड़ा तो 17 से लेकर 8 हुए, और उदय स्थान 9 है तो पहला एक 10 का उदय स्थान छोड़ा तो 9 से लेकर के 8 उदय स्थान 24 के सत्व में पाए जाते हैं। अब 23 और 22 के सत्व में ती और पन बताया था, तीन बंद स्थान और 5 उदय स्थान, तो 17 मतलब 17 त्रिक 17 13 और 9 ये तीन बंद स्थान लेना, और नवादिपण 9 से लेकर 5 सत्व उदय स्थान लेना, 9 8 7 6 5 ये क्या लेना उदय स्थान लेना, एक इसमें दुपदे मतलब दो पदों में 23 और 22 ये दो पदों में लेना, समान ही लेना। अब आगे बताते 22 तक आ गए, अब 21 के सत्व में बताएंगे, 70 सादि 88 सौवम पण चारि दोणि तुसु तत्तो पंच चौक दुगेकम चतुर्गे चतुतिन्नि एकंच। चरण के सामने भी कोष्टक होगा तो दिमाग में तो लिख सकते ना, नहीं तो ऐसे इतना है कैसे समझ में आएगा। 70 सादि 88 21 के सत्व स्थान में 17 आदि
आठ बंद स्थान बताए हैं, 17 से लेकर के 1 तक सभी लेना बंद स्थान, और 7 उदय स्थान है, अडादि सर्वम 8 से लेकर सभी 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 उसमें 3 लिखा गया था वो निकाल दिया बाद में। फिर पणचारी दोनी दुसु 13 और 12 के सत्व में 5 और 4 का बंद, 5 और 4 का बंद, और दोनी मतलब दोन का एक उदय स्थान, उदय स्थान एक ही है, 2 बंद स्थान है और 1 उदय स्थान है, तो 2 बंद स्थान कौन से लेंगे, 5 और 4, उदय स्थान कौन सा लेंगे, 2 का लेंगे, 13 और 12 दोनों में। फिर 11 के इसमें सत्व स्थान में, 11 के सत्व स्थान में 2 बंद स्थान है, 5 और 4, पंच चौक दुग एकम और 2 का एक उदय स्थान, नहीं 2 और 1 ऐसे 2 उदय स्थान है। फिर 5 के सत्व स्थान में चतुरिगी 4 बंद स्थान है, बंद स्थान 4 आएंगे ना, 1 के सत्व नहीं 5 के सत्व स्थान में, 5 के सत्व स्थान में 4 प्रकृति का एक ही बंद स्थान आएगा इसलिए चतु लिखा। फिर 3 ने एक कमच, उदय स्थान बताना है ना यहाँ पर, 4 के सत्व स्थान में नहीं 5 के सत्व स्थान में 4 का एक बंद स्थान और 1 प्रकृति का एक सत्व स्थान, सत्व स्थान है उदय स्थान, उदय स्थान सत्व में बता रहे ना, 5 के सत्व में बंद स्थान 4 का एक और उदय स्थान 1 का एक। फिर 4 के सत्व स्थान में चतु तीन में 4 का एक और 3 का ऐसे 2 बंद स्थान आएंगे और सत्व स्थान उदय स्थान 1 प्रकृति का एक आएगा। 4 के सत्व तक हो गया, अब 3-2 के सत्व में बता रहे, 3-2-1 के सत्व में 672 नंबर का आता है, ततो तिय दुगमेकम दुपयणे एकमेक ठाणंच इगिनब बंधो चरिमे एकुदो मोहनीयस। तो मतलब 3 के सत्व स्थान में तिय दुगम एकम, 3 और 2 का बंद स्थान, 3 का बंद स्थान और 2 का बंद स्थान, ऐसे 2 बंद स्थान आएंगे और 1 का उदय स्थान। फिर 2 के सत्व में दुपयड़ी एकम, 2 प्रकृति का एक बंद स्थान और 1 प्रकृति का एक बंद स्थान, ऐसे 2 बंद स्थान आएंगे और उदय स्थान 1, 1 कठान एक ही स्थान है उदय स्थान, 1 प्रकृति का एक उदय स्थान। फिर 1 के सत्व में 10वें में 1 का सत्व है ना, वहां पर बंद स्थान नभ शून्य, नभ बंधो और उदय चर में एक उदय, एक का उदय है। इस प्रकार मोहनीय मोहनीय के बंद उदय सत्व स्थानों में आधार और आधेय रूप से त्रिसंयोगी भंग बताए। अब और बुद्धि ये करनी पड़ेगी, 2 को आधार बनाएंगे और 1 को आधेय बनाएंगे। मतलब यहाँ पर जो एक बंद स्थान में उदय स्थान जितने बताए ना, तो बंद स्थान और एक उदय स्थान लेंगे 2 आधार, उसमें कौन सा सत्व स्थान पाया जाएगा ऐसा। और ज्यादा बुद्धि लगा करके वो समाज में आएगा। मुंह खत्म कहाँ हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, मुंह का प्रकरण भी अभी नहीं खत्म हो रहा है ना, अभी मतलब लगाना पड़ेगा ना सब पूरा, जिसने सुना है उसको आगे का समझ में आता है, और जीव कांड में ऐसे कि कहीं से भी बैठो तो समझ में आता है इसे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव ही हूं, देखिए अपने को, अपने घर में क्या क्या भरा हुआ है, मेरा घर कौन सा है इसका निर्णय कीजिए, रहने का स्थान ये असंख्यात प्रदेश यही मेरा घर है, इन मेरे असंख्यात प्रदेशों में ज्ञानादि अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है,
देखे भीतर, ये कर्म का वैभव मेरा नहीं है, कर्म का धन कर्म में है, मुझ में नहीं है। पुण्य कर्म पाप कर्म यह सब कर्म में निवास करते हैं, मुझ में नहीं। कर्म का क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। कर्म परमाणु जड़ पुद्गल की अवस्था है, मेरी नहीं है। बंद स्थान उदय स्थान सत्व स्थान ये सब कर्म के क्षेत्र में चल रहा है। मैं तो इससे अलिप्त एक शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जानिए सूक्ष्म अंतसंधि में अपनी बुद्धि रूपी छन्नी को चलाइए। दो है तो दो बुद्धि में भिन्न भिन्न भाषित होंगे ही। लक्षण के द्वारा दो को अलग कीजिए। चैतन्य यह मेरा लक्षण है। बंध उदय सत्व ये कर्म का लक्षण है, कर्म में है मुझ में नहीं है। यह मैं चैतन्य सत्ता से परिपूर्ण अनंत गुणों का पिंड हूँ। अनंत गुणों के वैभव से परिपूर्ण एक सत्ताधीश हूँ। देखिए अपने को, मेरे घर में कुछ भी कमी नहीं है। मेरे घर में ज्ञान है, आनंद है, सुख है, शांति है, सब कुछ है। बाहर से कुछ लाना नहीं है। जानिए शुद्ध चैतन्य परिपूर्ण स्वरूप अखंड ज्ञायक स्वरूप एकत्व स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव। विसर्जन हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरिया